हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके अभिभावकों के कहने पे वीडियो बनाकर सेंड कर रहा हूँ। आप सभी के अभिभावकों ने मुझे कॉल करके बताया था कि भई हमें वीडियो बनाकर सेंड करना, हमें ड्राइंग का पता नहीं लग रहा है कैसे करवाना। तो आज मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग में। तो जब हम एंगल करेंगे, सबसे पहले हमें स्केल, और सेकेंड में पेंसिल, एक अच्छे वाली HB की पेंसिल, और शार्पनर, इरेजर, और आपके ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो इस कारण हमें फिर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो आइए हम ट्राई करते हैं। आज 7th क्लास का प्रश्न नंबर 1 करते हैं। तो ये है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, देखो, समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी एक भुजा AB दी है। क्या बोला है? समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। सम मीन्स बराबर, समान। बाहु का मतलब भुजाएं, बोलते हैं तीनों भुजाएं जिसकी समान हो, वैसी एक त्रिभुज बनानी है। उसमें एक भुजा दी हुई है जिसका नाम AB है। तो हम सबसे पहले दी हुई चीज़ को लेते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास प्रश्न नंबर 1, उसमें दी हुई एक AB रेखा है। सबसे पहले हम AB रेखा ले लेंगे। AB रेखा है हमारे पास, देख सकते हैं आप AB रेखा। सबसे पहले हम AB रेखा ले लेंगे, ये दी हुई है। A इस पॉइंट का नाम और B इस पॉइंट का नाम। अब हम आंसर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से इसी के बराबर AB रेखा ले लेते हैं, इससे थोड़ी सी ऊपर, इसी के बराबर, ध्यान रखना, इसी के बराबर हम AB रेखा ले लेंगे। ये है हमारे पास। अब यहाँ से हम आंसर करना शुरू कर देते हैं। इसका नाम A और B। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि एक भुजा AB दी है। तो हम AB लेते हैं, यहाँ पे ली हुई जो दी हुई है इसको हम अपने कंपास में ले लेते हैं। A और B, इसको अपने कंपास में ले लो, और ध्यान रहे यहाँ से हम जो है A कट ऊपर लगाएंगे, इसी के बराबर, इस तरह से डॉटेड, ठीक है। और दूसरा हम लगाएंगे V से, यहाँ से, इसी के बराबर हो गया। यह समबाहु त्रिभुज तैयार है।